थिंक ऑफ राहुल गांधी? उसके बारे में बात करना भी बेकार है, सोच भी नहीं सकते हम। मुझे मतलब शर्म आ जाएगी अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी। क्यों ऐसा क्यों? मुझे जो आदमी को बोलना नहीं आता वो देश क्या संभालेगा। अकॉर्डिंग टू मी जो एक अच्छी स्पीच तक नहीं दे सकता, जो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, तो फिर वो देश क्या संभालेगा। और सोच के देखिए अगर वो देश के मुद्दे पर बोलने विदेश चला गया तो मतलब अभी तो हम ही हंसते हैं, फिर तो पूरा वर्ल्ड ही हंसने लगेगा। सर एक बार बात छोटी करना चाहूँगा मैं। अपन बात करते हैं राहुल गांधी की, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर नहीं, आप कर सकते कोई गुनाह नहीं किसी को सपोर्ट, वो बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान और एक कौन पढ़ा हार्वर्ड से राहुल गांधी, जितना मुझे पता है शायद लंदन जहाँ से भी पढ़ा, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं से वो अच्छा एजुकेशन उन्होंने हासिल किया है। और दूसरी बात ये कि जो जिस जगह से वो रहते हैं, जगह से बिलोंग उन्होंने की, जहाँ पे अपना एजुकेशन वगैरह लिया, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि एक अनपढ़ इंसान से तो बेहतर ही होगा कुछ भी हो। जिसे ये नहीं पता है अगर वो कहीं पर अपना कुर्ता फटा हुआ दिखाता है, जेब फटी दिखाता है, तो ये तो आम इंसान की समझ है कि क्या वो इतना गरीब है। कोई आम इंसान ये सोच सकता है कि क्या वो इतना गरीब है कि वो अपनी फटी जेब दिखाता है और लोग उस पर बिलीव करते हैं कि देखो मेरे तो कुर्ते की जेब भी फटी हुई है। तो ऐसे भाषण देने से कोई फायदा नहीं होता है। बोले 35 कौन सी संख्या है? ऐसा अगर एक नेता अगर आपको बनना है तो पहले आपको वक्ता बनना पड़ेगा। हम ना डिग्री मांग रहे हैं, आप अपने पढ़े लिखे के लिए एक ऐसे आदमी को तो खड़ा करना चाहेंगे जो कहीं बोलेगा तो लोग उसको, आज मोदी अगर बोलते हैं तो वर्ल्ड सपोर्ट करता है ना उसको, इसीलिए तो शक्ति है सर उनके पास, मतलब एक शब्द शक्ति है सर उनके पास, बोलने का जो तरीका है सर, जो लहजा है सर। यहाँ पे एक सवाल सुन, आप लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, एक नेता कैसे बोलता है, उसकी स्पीच कितनी इफेक्टिव है, क्या इससे तय होता है वोट? सर बहुत जरूरी, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पूरा होता है। बोल के सत्ता का बंदा को जाने, मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। बोलने से ज्यादा करना इम्पोर्टेंट है, करने में भी मनमोहन। एक चीज बताइए मीनाक्षी जी, मीनाक्षी राइट, कांग्रेस को किस लीडर को आपके हिसाब से प्रमोट करना चाहिए? मैं तो नहीं मानती कांग्रेस का एमपी, आपके राजस्थान में कैसा है, वहाँ पे तो कांग्रेस लड़ती दिखाई दे रही है बीजेपी से। वो लड़ती दिखाई दे रही है, बट वो क्या है, अशोक गहलोत जी बेहतर मुख्यमंत्री थे किसी टाइम में, अशोक गहलोत जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अगर आज सचिन पायलट को करते हैं तो हम तो उसको नहीं मानते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री हो। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।